आप भी भालू लग रहे हैं, ये पहन के पीछे वाले उससे बड़े भालू लग रहे हैं, इसकी क्या वजह? ये तो फिर तू पता भालू लग रहे हैं? हाँ जी मुझे पता है। ओ हाई यार फिर तू और मेरे को चुगता सुनिया ले लग रहा है मेरे को, साडा बेच वाला काम ना जगा। अस्सलामुअलैकुम डेली पॉइंट के साथ मैं हूं जुनेद आदिल। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके यूहन्नाबाद में, जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से एक शानदार क्रिसमस रैली का इनेकाद किया गया है। इस रैली की खास बात यह है कि इस रैली में मौजूद तमाम शुरका ने सांता क्लॉज के ड्रेस पहन रखे हैं और अक्सर इनमें मौजूद लोग पालू भी लग रहे हैं। आइए आपकी भी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइएगा कि सबके सबने सांता क्लॉज का ड्रेस पहन लिया, इसके पीछे क्या वजह है? ये खुशी है, ये सारे गिफ्ट देने के लिए हम रेडी हो रहे हैं और हम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि सेंडा ने शुरू इसी बात से की थी कि हम खुशी मनाएं। आप भी भालू लग रहे हैं, ये पहन के पीछे वाले उससे बड़े भालू लग रहे हैं, इसकी क्या वजह? ये तो फिर अपनी देखने की बात है ना, अपनी अपनी आंखों की बात है, पर्सनैलिटी है ना, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है बंदे की। भजन आपको पता आप भालू लग रहे हैं। ये देखे एक बड़े प्यारे भाई होना मौजूद है, आपको पता भालू लग रहे हैं? हाँ जी मुझे पता है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं आपस में उनका जो एक रिलेशन है वो कैसा है? मतलब मैंने देखा है कितनी यकजहती देखने में आई है, सबके सबने सांता क्लॉज के ड्रेस पहने, सब ये प्यार और मोहब्बत का दर्श होता है, ये प्यार मोहब्बत खलूस के साथ चलते हैं ये, इसलिए ये सारे इकट्ठे होकर निकल रहे हैं हम, के सबको प्यार और मोहब्बत का अमन का पैगाम देना हमने। और जो पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे अमन के हवाले? मैं यही कहूंगा कि बस अमन और प्यार मोहब्बत से रहें, कोई क्रिश्चियन कोई मुस्लिम कोई कुछ नहीं होता, सब एक इंसानियत के तहत रहें, बस सब प्यार मोहब्बत से रहें, खुशी मनाएं। और आखिर में भालू का किनारा हो जाए। ओ हाई यार फिर तू और मेरे को चुगता सुनिया ले लग रहा है मेरे को, साडा बेच वाला काम ना जगा। इस वक्त मेरे साथ इस रैली को ऑर्गेनाइज करवाने वाले आबिद नवाब गिल साहब मौजूद है, जो सामाजिक कारकुन भी है। आइए इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइए गाय कितनी पुरअमन रैली का इनेकाद आपने करवाया क्रिसमस की खुशियों के लिए, इसका मकसद क्या है? ये हमारे निजात दहिंदा यसू अल मसीह उनकी पैदाइश का दिन है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये प्रचार मसीह होने के नाते हम लोग मसीही लोग हैं, हम जैसे हमारे मसीह ने खिदमत अंजाम दी हैं। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिन्होंने सेंटा की टोपियां पहन रखी हैं, इस रैली के अंदर शरीक हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पता है बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। टोपी वैसे ज्यादा प्यारी लग रही है। शुक्रिया बहुत बहुत। आज जो रैली का इनेकाद किया गया इसका मकसद क्या है और इसके पीछे क्या वजह है? इसका मकसद है क्रिसमस की खुशियों को एक दूसरे के साथ मानना और अमन का पैगाम देना। और यहाँ पर सब लोगों ने जो है सांता के जो मलबूसात है वो जेब तन किए हुए थे, इसकी क्या वजह? सांता क्योंकि एक सिंबल है क्रिसमस का, इस वजह से उसको प्रोमिनेंट करके लोगों के साथ खुशियां शेयर करना, क्योंकि सांता अपने लोगों को क्रिसमस के मौके पर अपनी खुशियां शेयर करते थे, गिफ्ट देते थे, इसलिए उनको साथ रखा है कि क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे के साथ इन खुशियों को बांटना हमें। एक और आंटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आपने क्यों नहीं सांता का ड्रेस पहना? हम सब ने तो ये सब कुछ अरेंज किया है और हमने ज़्यादातर बच्चों को प्रेफर किया है कि बच्चे ही ये सब कुछ करें और बच्चे जो हैं दूसरों को खुशियाँ बांटें, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अगर आप भी कपड़े पहनती हैं आप ज़्यादा प्यारी लगती हैं, आपको पता है। चलें आइंदा साल मैं भी पहन लूँगी। देखिए क्या भी पहन लें, चलें वो भी बाद में पहन लूँगी ना। अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये है जो हमारा आज का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है, क्योंकि अमन का शहजादा पैदा हुआ था, आपको पता है 25 दिसंबर में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होती है, तो ये जो है इसलिए हम निकालते हैं ताकि हम इस महीने को इंजॉय करें, खुश रहें और इसमें अमन जो है ना वो फैलाएं। और टोपी कब तक आप जो है वो पहन लेंगी अपने सर पे? वो जब जी करेगा पहन लूँगी। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ इस वक्त ये फैमिली भी मौजूद थी, हमने आपकी इनसे मुलाकात करवाई और जितनी भी इनसे मजाकिया गुफ्तगू थी वो इन सब लोगों की इजाज़त के बाद ही की गई थी। अपने मेज़बान जुनेद आदिल को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।